नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन स्वपन मिश्र आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज कल एक वीडियो बनाया था मैंने, आज जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो, आज का जो वीडियो है टोटली मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस उसका पर बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ। जंप इन सेंस मैं एनएस रिसोल में ज्वाइन किया था जी ME2 एक्चुअली, उसमें ME2 में ज्वाइन करके कुछ कुछ बताया था मैंने। उस टाइम में जो मेरा साथ में थे उजागर सिंह, अभी वो चीफ इंजीनियर होके सेल कर रहे हैं, नागराज का नाम मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, मतलब छोटे से उहदे पे रह के भी आप अगर मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं और जज्बा है तो आप भी बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने पहुंचा, मैं नाम जो लिया उन्होंने भी पहुंचा है एक्चुअली। तो आज जो वीडियो बनाऊंगा उसको मैं आज YouTube में अपलोड नहीं करूँगा, कल करूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपना डिफेंस में एक आदमी ज्वाइन करता है तो जज्बा रहता है, कुछ एक्शन हो, कुछ मज़ेदार चीज़ हो। अभी जितना आर्मी जो ज्वाइन करते हैं ना उनको उनको एक्शन का मज़ा आता है एग्जैक्टली। बाकी नेवी में लास्ट ऑपरेशन हमारा IPKF हुआ था उसको, नहीं ठीक है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ये करते हैं, लेकिन वो जो जब तक एक्चुअल ऑपरेशन नहीं होता है, आर्मी तो ठीक है, आर्मी अपना पीस कीपिंग फोर्स जाता है कॉन्गो में, सूडान में, दे गेट दैट फील ऑफ दैट एक्चुअल एक्शन जिसको कहते हैं, तो उसमें मजा आता है उसका, करगिल के बाद ये बात। लेकिन आर्मी इज ऑलवेज एंगेज, कश्मीर में होता है ये होता है, माइनर ये जो आतंकवादी है वो लोग एक्शन देखते हैं, लेकिन अपना नेवी एयरफोर्स वगैरह हमको तो हम तरस जाते हैं कुछ एक्शन हो, कुछ मज़ा हो। तो इस ये में एक सिलसिले में मैं बात कर, ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, ये कहानी को मैं दोबारा भी दोहराऊँगा एक्चुअली, जब मैं अपना त्रिशूल से लेके उस लेवल तक आया कैसे वो दोहराऊँगा, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक को पकड़ कर रखने के लिए, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसलिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ एक्चुअली, मेरा पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ एक्चुअली। राजीव गांधी डिसाइड किए कि श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग पोस्ट भेज दिया जाएगा, जो LTTE का प्रभाकरण एंड श्रीलंका उस टाइम प्रेसिडेंट जयवर्धन है, ये करके वो बोले कि नहीं हम एक शांति समझौता कर लेंगे, हम सब ये करेंगे। तो हम लोग तो उस टाइम पर आवाज जैसे लेफ्टिनेंट एक्चुअली, बड़े बड़े पॉलिटिकल लेवल, जनरल लेवल, एडमिरल लेवल डिसीजन वगैरह उस टाइम पर पता नहीं था, लेकिन अभी तक तो अभी तो थोड़ा बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ पता चल रहा है कि हम मैच्योर हो गए, हम देख रहे हैं क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या पॉलिटिकल लेवल में, क्या मिलिट्री लेवल में, हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम जानते हैं कुछ कुछ होता है एक्चुअली। ठीक है, मैं INLCU L31 एक जहाज था एक्चुअली, लैंडिंग क्राफ्ट जो जहाज है वो बेसिकली फाइटर वारशिप नहीं है एक्चुअली, दो सिर्फ दो साइड में दो गन रहता था, बाकी हमारा जो अम्यूनेशन वगैरह पिस्टल राइफल वगैरह रहता था, ये SLR वगैरह रहता था, अभी भी रहता होगा। हमारा मेन काम है बीच में लैंडिंग करना, जैसे आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड में नॉर्मंडी लैंडिंग जिसको कहता है नॉर्मंडी, इसमें ये जो हमारा वहाँ पे छोटा मोटा लैंडिंग क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल किए थे, जिससे सेकेंड वर्ल्ड का जो दिशा बदल गया था, नॉर्मंडी लैंडिंग आप याद रखिए फ्रांस का ये में। तो हमारा भी कुछ महत्व था एक्चुअली, आई वॉज द एक्सो, माई कमांडिंग अफसर वॉज कमांडर प्रकाश, उन्होंने उनको एक्चुअली मेरा पर पूरा भरोसा था एक्चुअली इन माय डिसीजन मेकिंग, एंड मेरे को पूरा खुला छोड़ दिए थे एक्चुअली। तो हमारा नेविगेशन अफसर था कमांडर सब लेफ्टिनेंट कक्कड़, कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले मिला था मैं उनसे,
एक्चुअली मेरा एक दोस्त कैप्टन आलोक नायक, उनका लड़की का शादी गए हमें, मैं फिर होटल में हुआ था, मैं मिला था एक्चुअली, ही वॉज माई नेवी ऑफिसर और देख सो तो अंडमान के कमांड में था एक्चुअली, पोर्ट ब्लेयर कमांड में था, मेरा फैमिली वगैरह अंडमान में थे और हम जहाज लेके चले, हमारा जो मैंडेट था जो है हम चेन्नई पहुँचे, चेन्नई से कुछ आर्मी का जो आर्मी सप्लाई को जो तो बकरा मुर्गा जो खाना पीना और कुछ ट्रूप्स वगैरह लेके उनको पहुँचाने का हमारा जो नेक्स्ट बेस था केकेस था, कंकेश्वर केकेस था, हमको वहाँ पर पहुँचना था, वहाँ के टेम्पररी जेट्टी था और उसके बाद उनको पहुँचाने के बाद हमारा काम था ट्रिंकमली कोलंबो से लेके हमको पेट्रोलिंग करना है और हमारा टास्क था कि जनरली जो मर्चेंट शिप में क्या होता है ना, एलटीटी वाला जो आर्म्स स्मगलिंग करते थे उनको पकड़ना, उसमें बोर्डिंग करना और चेकिंग करना, चेकिंग करके और क्लियर तो छोड़ देना, दैट वाज आवर मैंडेट। सी वाज ब्रीफ मी वेरी क्लियरली, आई टोल्ड सर नो प्रॉब्लम एंड कमांडर प्रकाश वाज हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी एक्चुअली। तो हमने चेन्नई पहुँचा, फैमिली एट पोर्ट ब्लेयर एडमंड्स। चेन्नई में हम जब मतलब इंसेस वी आर रेडी टू टेक अप, उस टाइम पर मेरा एक छोटा भाई है, ही वॉज कैप्टन एसएस मिश्रा, शिवशरण मिश्रा, ही इज ऑल्सो रिटायर नाउ, ही इज रनिंग ए न्यूज पेपर, बाई वीकली न्यूज पेपर है इनफैक्ट, ही इज रिटायर नाउ, ही मेट मी, वी आर वेरी हैप्पी, ही वॉज जस्ट कमिंग अप फ्रॉम द आई केव एंड आई जस्ट गोइंग देयर, सो आई टुक हिम टू माई कैबिन एंड ट्रीटेड हिम विथ जॉनी वॉकर रेड लेबल विस्की विथ सोडा एंड वाटर थिंग एंड ऑल एंड वी आर वेरी हैप्पी। आफ्टर दैट वी टुक अप, हमने सेल कर लिया और आर्मी का कुछ बकरा वगैरह सब, हमारा जो लैंडिंग क्राफ्ट में क्या होता है ना, जैसे कि मर्चेंट में रोरो जहाज होता है ना, रोरो पिछले एंकर होता है, लैंड करो वो डिस्चार्ज करो, कार्गो डिस्चार्ज करो, उसके बाद पिछले एंकर खींचो तो जहाज अंदर आ जाएगा, फिर टर्न कर निकल जाओ, उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें एक फ्लैट दरवाजा होता था। अभी भी रोरो जो मर्चेंट नेवी जो रोरो में सेल करते हैं उनको पता हो, तो ये लैंडिंग क्राफ्ट जो रोरो टाइप वेसल है। तो हमने काफ़ी जो आर्मी के लिए के ये कुछ आर्मी का जवान भी हमारा चढ़े हुए थे, उनको लेके पहुँचाने का था केकेएस में, उसके बाद उनका जो डिप्लॉयमेंट वगैरह सेट था। तो हम लोग का जो ड्यूटी था 12 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ऐसा ड्यूटी था। मेरे पास एक अच्छा आरपी रेटिंग, आप नेवी में बता नहीं सकते जो आरपी रेटिंग जानते हैं एक्चुअली, ये लोग नेविगेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प मैन जो स्टीयरिंग संभालते हैं, आजकल तो ये में हो गया जीपीएस हो गया, ये हो गया, उस टाइम पर सैटनैम वगैरह हमारा जहाज में नहीं था एक्चुअली, हमको पूरा फिक्स लेके एक्चुअली नेविगेशन करना पड़ता था एक्चुअली, इट वॉज वेरी दिस थिंग्स, आजकल बहुत ईजी हो गया एक्चुअली, लेकिन उस टाइम पर वी हैव टू रियली बी इंसेंस, हम जो पढ़ाई किया होगा वही कर सकता है, बट वी हैव बीन ट्रेंड इन दैट वे दैट वे। तो हमने निकला श्रीलंका की तरफ, जोश था और मैं थोड़ा, मेरे को रात को नींद कम आता है, चलो अभी भी मैं बहुत कम सोता हूँ, 24 घंटे में शायद 4 घंटे सोता हूँ, बाकी कुछ समय दारू पीता हूँ और मैं घरियाल के टाइम से भी एल सी थर्टी से मैं ड्यूटी करने के टाइम में जॉनी वॉकर ये मेरा ओडब्ल्यू का जो मेरा ये रहता था चेयर रहता था, जॉनी वॉकर रहता था, टेबल पर सिगरेट रहता था और मैं ड्यूटी करता था एक्चुअली, जरूरत पड़ने में 2 घंटे एक्स्ट्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो चेन्नई से निकलने के बाद उस दिन रात को एक्चुअली अपना वो आरपी रेटिंग जो लड़का जिसको बता रहा था उसका नाम है जय प्रसाद एक्चुअली, आई रिमेंबर दैट बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट एक्चुअली, जय प्रसाद एग्जैक्टली। उसने रडार में देखा कि सर कुछ एक स्पॉट दिख रहा है एक्चुअली, फिशिंग बोट भी हो सकते हैं, कोई दूसरा मर्चेंट नेवी भी हो सकता है, कोई शिपिंग हो सकता है, हम वी कैंट जज दैट। तो हमने बोला ठीक है, मेरा ड्यूटी था 12 से 4, मैं बोला नजर रखो,
फिर देखा एक घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद देखा, तो वही स्पॉट जो है हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो हमारा पीछे भी जा रहा है और धीरे धीरे क्लोज कर रहा है, एक्चुअली क्लोज कर रहा है। तो मेरे को थोड़ा दिमाग सटकला, मैं बोला कि ये मेरे को लगा कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था एक्चुअली, कंफर्म नहीं था कि ये मेरे को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने फिर क्या किया, बोला ठीक है स्टार्ट जिगजैग स्टीयरिंग। जिगजैग मीन्स अभी ऐसे जा रहे हैं, हमारा रूट चार्ट है, हम यहाँ से बरमपुर जाते इस रास्ते में जाएंगे, ठीक है। वो अगर जानता है कि मैं यहाँ से बरमपुर इस रास्ते में जाऊँगा, वो सोचेगा कि मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट करूँगा कि कुछ प्लान होगा। अगर मैं बरमपुर जगह पूरी जाके, पूरी से बारंग जाके, बारंग से इधर जाऊँगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है एक रात की बात है, सवेरे देखेंगे, जिगजैग करो। फिर हमने यहाँ से मुड़ा, यहाँ से मुड़ने के बाद फिर आधा घंटा चला, जब आधा घंटा चला देखा तो वही साला हमारा पीछे। तो मेरे को हुआ डाउट, मैं बोला ये साला ये LTT का कुछ है, कुछ लफड़ा है। मैंने फिर यहाँ से मुड़ा देखा तो हमारा पीछे। ऐसे करके हमने 4 बजे तक चलता रहा नटंकी, तो देखा कि ये मेरा पीछा छोड़ने रहा है। तो मेरे को हुआ डाउट, मैं बोले नहीं ये तो नॉर्मल मर्चेंट नेवी होगा, तो जहाज ऐसे सीधा चला जाएगा, फिशिंग वेसल अपनी जगह पर रहेगा, ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है। रेडार का एक शैडो जोन होता है, शैडो जोन अपना नाक के नीचे, अगर यहाँ पर देखोगे ना आप देख नहीं सकते, मतलब हमारा जहाज का अगर कोई 50-100 मीटर का क्लोज आ जाता है हम उसको देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे शैडो जोन। तो मेरे को थोड़ा सा डर तो नहीं लगने लगा, लेकिन मेरे को डाउट पक्का हो गया कि ये कुछ लफड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने कैप्टन को जगाया नहीं, एक्चुअली आई डिडंट डिस्टर्ब कैप्टन प्रकाश। मैंने बोला ठीक है और एक घंटा चलते रहो, खेल खेलते रहो। फिर मैं खेल खेलता रहा, वो भी खेल खेलते रहे। फिर 5 बजे का टाइम मैंने एक्शन स्टेशन का ऑर्डर दे दिया, घंटी बजा दिया एक्शन स्टेशन, जो गन्नी क्रू वगैरह अपना दो साइड में दो घंटा सब मैन करिए, ये करिए करिए। एक्शन स्टेशन क्या है, मैं जब मैं पिछले अपने त्रिशूल से शुरू करूँगा, अभी तो मैं एडवांस करके इसके मैं ये स्टोरी मैं दोबारा भी रिपीट करूँगा एक्चुअली। तो ऑर्डर दे दिया, सब लोग तैयार। 5:30 बजे थोड़ा सा जब सूरज तो होगा नहीं, लेकिन जब उजाला हुआ तब देखा मैंने अपना शैडो जोन, जो कि नज़दीक में यहाँ से अराउंड 50 मीटर्स का दूर में एक बोट था। तो मैंने कैप्टन को जगाया, क्योंकि फायरिंग का ऑर्डर तो मैं दे नहीं सकता जब तक कैप्टन नहीं चाहेंगे, क्योंकि तो बाद में कुछ लफड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तब जाके कैप्टन को जगाया, कैप्टन को समझाया ऐसा ऐसा बात है। कैप्टन बोला फायर, हमारा गंडी जो डिपार्टमेंट उन्होंने फायर किया, फायर करके उस बोट को डुबा दिया। लेकिन जब डुबाया ना, वो जब डुबा ढूम करके इतना बड़ा एकदम आग का बगोला ये गया करके। तो फिर हमने एक छोटा सा जो रबर का डिंगी बोट हमारा होता है जहाज में, उसको हमने निकाला, देखा कौन सर्वाइवर है क्या है। तो जो पेट्रोल डीजल का जो ड्रम होता है, जो टीन का ड्रम होता है, वो ड्रम में एक आदमी लटक के तैर रहा था, बच रहा था, बाकी सब डूब गया था, वो तो बोट डूब गया था। हाँ, तो उसको हम पकड़ के ले गए, ले जाने के बाद वो कुछ लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज वगैरह हमें समझ नहीं आता, हम वो तमिल में कुछ बोल रहा था। फिर हमारा एक स्टोर कीपर था जो तमिल जानता था, स्वामीनाथन बोल के, उसको हमने बुलाया, उसको थोड़ा अपना एक SP होता है एक्चुअली, हरियाणा का जाट था एक्चुअली, मतलब मैं तो पत्र दुबला पतला भाई सब मान नहीं सकता। हाँ, उसका एक पड़ेगा तो वो तो थोड़ा हालत खराब। बाद में उसने कुछ बोला जो लैंग्वेज में जो मेरे को समझ में नहीं, लीला विल्लीला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो समझ ने समझा, कुछ कुछ समझा। फिर बाद में हमने उसको लेके के केस पहुँचे, उसको आर्मी कैप में हैंड ओवर कर दिया। बाकी आर्मी कैप उनसे इंटेलिजेंस लिए होंगे, लेकिन उस दिन जहाज जो है ना प्रसाद की वजह से, और शायद मैं थोड़ा क्रेडिट लूँगा मेरा इंटेलिजेंस की वजह से, उनका जो लास्ट में जो इंटरोगेशन में जो ये आया कि उनका मतलब था
जो चार पांच आदमी थे वो लेके वो जो बोट को लेके एक्सप्लोसिव भरा हुआ था उसको हम जहाज में टकरा देंगे तो हमारा जहाज डूब जाएगा और पांच सात आदमी भी मर जाएंगे। दैट वॉज द पर्पज विच वॉज लेटर रिवील एक्चुअली। तो ये मेरे लिए एक मेमोरी खुशी का बात है एक्चुअली। कमांडर प्रकाश वॉज वेरी हैप्पी एंड इट वॉज अप्रिशिएटेड बाई वाइस एडमिरल गोविल एक्चुअली हुआ द फोटन एक्चुअली दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको बचा दिया और ये कर दिया। तो बस ये एक नेवी का थ्रिलिंग स्टोरी है एक्चुअली। मैं आज वीडियो यहाँ पर बंद करता हूँ, कल मैं देखता हूँ कुछ लोकल न्यूज़ लेके आऊँगा कि त्रिशूल का नेवी के बारे में आऊँगा। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है, आप मेरा वीडियो हमेशा देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत मज़े मज़े थ्रिलिंग स्टोरी जो है ना, थ्रिलिंग जिसको आप फिल्म में देखते हैं और सीरियल में देखते हैं उससे बहुत बहुत थ्रिलिंग स्टोरी मैं बताऊँगा मेरा जिंदगी का। नमस्कार अगेन, सत श्री अकाल, आल आवाज चल।